गाइस वेलकम बैक टू स्ट्रिंग्स अराउंड अस और आपका स्वागत है स्ट्रिंग्स अराउंड्स के ट्रैवल व्लॉग में, वो भी गोवा से। सो यार गाइस, जैसा कि मैंने आपको मेरी पहली वीडियो में बताया था कि हम बैंगलोर टू गोवा आए हैं बाय रोड। कैसा रूट रहा है, क्या रोड कंडीशन रही है और अपना कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब वीडियो में शेयर किया है। सो गाइस, आज है गोवा में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग एंड अ फ्रेश मॉर्निंग। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मौसम अभी खुला है, बारिश ज़्यादा नहीं है। मॉर्निंग के अभी 8 o'clock हो रहे हैं और रात भर तो खैर बारिश हुई है, लेकिन अभी बारिश नहीं है, हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो हमने सोचा क्विकली रेडी होते हैं और चलते हैं बीच पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नियर बाय, जो हमारा जहाँ पे स्टे है नियर बाय बागर कलंगुट के आसपास हमारा स्टे है, तो हम वही नियर बाय बीच जा रहे हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं मॉनसून में गोवा कैसा है। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं बागा बीच एंड ये जो बागा बीच का साइड है, ये साइड पे हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं और हमेशा मतलब दूसरा जो वे रहता है बागा बीच का, हम वो साइड से आए हैं। ये साइड बागा बीच का हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं। गोवा आप कितना भी बार आ जाओ, एवरी टाइम यू विल फील गोवा एज यूजुअल, वही फ्रेशनेस और वही न्यू आपको सब कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कि हमें मिला, हम गोवा कितनी बार आ चुके हैं लेकिन दे साइड हम पहली बार आ रहे हैं। तो मौसम जैसे मैंने बताया अच्छा है। सो गाइस, मॉनसून में जो मौसम है वो मतलब ऐसा है कि बारिश रुक गई पर कभी भी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप गोवा में इंजॉय नहीं कर सकते हो मानसून में, इंजॉय कर सकते हो मानसून में। ये हमारा सेकेंड टाइम है गोवा में और गोवा बहुत खूबसूरत है। ऑल दो यह हाई टाइड्स है, आप आगे नहीं जा सकते हो। सो अभी धूप निकल गई है गोवा में एंड कब बारिश आ जाए, कब बादल आ जाए, कुछ पता नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले गोवा का मौसम दिखाया था और धूप उपनी सब बढ़िया निकल रही थी, लेकिन अगले ही 15 मिनट में एंड यहाँ पर फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई है। 15 मिनट पहले बहुत बढ़िया मौसम था, धूप निकल गई थी, हमें लगा था कि मौसम खुल गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, बारिश आ गई है। और हम अभी जा रहे हैं क्योंकि हम लोग वो बारिश के हिसाब से नहीं आए थे। तो अभी वापस जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे और बारिश तेज़ आ गई है। तो यार गाइस, यही है मॉनसून में गोवा का। सो बेटर है आप अम्ब्रेला रेनकोट अपने साथ रखें क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी आ सकती है। धूप अगर है तो ये मत सोचना कि भाई मौसम खुल गया है, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। प्लस जो बागा कलंगुट के साइड है, यहाँ पर आपको यू नो एवरी टाइम पार्किंग पे पार्किंग है, यहाँ पर फ्री नहीं है। सो गाइस, गोवा में बारिश रुकी नहीं है एंड पिछली बार के एक्सपीरियंस से हमने इस बार ये एक्सपीरियंस किया है कि इस बार हम गोवा आते ही रेनकोट ले लेंगे। तो अभी हम सब अपने अपने रेनकोट में हैं एंड ये ना क्यूट लिटिल श्रेष्ठ जो काफ़ी एक्साइटेड है और हैप्पी है अपने फर्स्ट रेनकोट के लिए जो उसे गोवा से मिला है। सो यह बारिश रुकी नहीं है। सो आई विल सजेस्ट कि आप भी अगर मानसून में गोवा आ रहे हैं तो आप आए और इंजॉय करें और अपना रेनकोट अम्ब्रेला साथ में रखें, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको गोवा में। तो अभी बारिश रुक गई है, थोड़ी हल्की हो रही है। ओके एंड जो यहाँ पर रेनकोट है आपको अप्रोक्स 150 रुपये से लेके 200 रुपये तक के रेंज में मिल जाएंगे, तो आप अच्छे से बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो अभी जो मैंने रेनकोट पहना है इसमें हमने काफ़ी अच्छे से बार्गेनिंग करके ये रेनकोट विद इन 200 रुपीज़ ले लिया है। तो अभी हम आ गए हैं कंडोलिम बीच और बारिश वारिश में मज़े लेते हैं। चलो चलते हैं, दिखाते हैं कंडोलिम बीच। गाइस अभी हम आ गए हैं कंडोलिम बीच पे एंड अब रेडी हैं बीच को देखने के लिए, क्योंकि जो इस टाइम बीच के नज़ारे हैं, जो लहरें हैं, वो OMG स्ट्रीम लेवल पे है। ठीक है,
सो चलो जल्दी से आपको दिखाते हैं कैसा है इस टाइम ओशन का नज़ारा, कैसे हैं वेव्स, हाई टाइड्स, और हम सब अपने अपने रेनकोट्स में हैं एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे रेनकोट्स में अपना मजा कर रहे हैं। तो बेस्ट पार्ट मैं आपको बोलूँगी, अगर मॉनसून में आ रहे हो ना, अम्ब्रेला से भी बेटर है रेनकोट, से आप पहन के अपना आराम से इंजॉय कर सकते हैं गोवा की बारिश में। बारिश में गोवा घूमने का एक अलग ही मज़ा है, और पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया रूम जाके, और अब इवनिंग में आए हम कुछ अच्छा सा ऑथेंटिक इटालियन फूड ट्राई करने के लिए। एंड हमें मिली ये एक बेस्ट प्लेस जिसका नाम है स्पाइसी बेला, विच इज़ नियर टू कलंगूट बीच। एंड हमें ऐसा प्लेस पे जाना था जहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छी हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, लेकिन ज़्यादा शोर शराबा ना हो। सो फॉर अस दिस प्लेस इज़ बेस्ट। सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल एम्बियंस, काफ़ी सही यहाँ पे हमें लगा। तो अब यहाँ पे हम रुके हैं और हम इंजॉय करने वाले हैं इटालियन फूड। तो हमने ऑर्डर किया था पास्ता एंड पिज़्ज़ा, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमने अच्छे से इंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी था, मतलब सीरियसली रियल जो टेस्ट था काफ़ी टाइम बाद हमें मिला, एंड प्लेस काफ़ी अच्छी थी। सो गाइज डिनर ओवर हेयर एंड पास्ता एंड पिज़्ज़ा इज़ गुड। सो हमने तो काफ़ी इंजॉय किया एक ब्यूटीफुल सी प्लेस पे, जो जैसा कि थोड़ी देर पहले सितांशु ने आते हुए हमें ये बोला था कि रैंडम चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, एंड या रैंडम चीज़ें सीरियसली अच्छी होती हैं, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि हम यहाँ आएंगे या कुछ खाएंगे पियेंगे, इट्स रैंडमली डिसाइडेड कि पास्ता खाना है, तो हम यहाँ ब्यूटीफुल प्लेस पर आए एंड एवरी वन इज इंजॉइंग, और सबका अच्छा सा टमी फुल हो गया है। टेस्ट इज इंजॉइंग ओवर हियर। टेस्ट हाउ इज द फूड? नाइस नाइस। We are going now, right? We had a great time and great time. Yeah, very nice to see you all of you. May I have your WhatsApp number? Sure. तो गाइज ही इज़ मास्टर शेफ मिस्टर कमल, जिन्होंने बहुत ही टेस्टी खाना सर्व किया हम लोगों को। प्लस जो द शेफ़ इज़ सो गुड कि वो आपको कुछ ही मिनटों में इट विल मेक यू फील कि आप उनका फैमिली के पार्ट हो। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में आके जस्ट खाना खाना इंजॉय करने से ज़्यादा हमें और भी जो अच्छा लगा वो ये लगा कि हमें एक होमली फील फील आई, और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स थी इस प्लेस पे। सो आई मस्ट सजेस्ट यू कि अगर आप आएँ तो स्पाइसी बेला में ज़रूर आइए, एंड यहाँ का खाना एंड यहाँ का सर का जो सर्विस है वो ज़रूर इंजॉय करिए। सो हमने तो बहुत इंजॉय किया है यहाँ पे। आई होप आपने भी मेरे साथ इस वीडियो में बहुत इंजॉय किया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले दिन अगली गोवा की वीडियो में। थैंक यू।